इस चैप्टर में आप सीखोगे कि गूगल सर्च कंसोल में आपको साइट मैप कैसे सबमिट करना होता है ताकि आपकी वेबसाइट में जो भी पोस्ट रैंक हो सके और इंडेक्स हो सके, क्योंकि पोस्ट लिखने के बाद आपको पोस्ट को गूगल के सर्च कंसोल में इंडेक्स करवाना पड़ता है। मैं ये वीडियो पोस्ट लिखने के पहले इसलिए बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको साइट मैप जनरेट करना होता है और साइट मैप को आपको गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करवाना पड़ता है। साइट मैप को नहीं, पोस्ट को आपको गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करवाना पड़ता है ताकि गूगल को पता चले कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है और वेबसाइट में ये पोस्ट मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट आपको इस तरीके की दिखाई दे रही है। इसमें लगभग 415 पोस्ट मैंने लिखा हुआ है और सभी पोस्ट को मुझे गूगल के सर्च कंसोल में इंडेक्स करवाना है। तो उसके लिए आपको गूगल सर्च कंसोल ओपन करना है। गूगल में आपको टाइप करना है गूगल सर्च कंसोल, पहली वेबसाइट जो भी आएगी search.google.com, उसको ओपन करना है और उसके बाद आपको जीमेल से इसको लॉगिन करना है। अपने जीमेल, जो भी जीमेल आप यूज़ करते हो अपनी वेबसाइट के लिए, उसके बाद आपको यहाँ पर मैंने वेरिफिकेशन ऑलरेडी किया हुआ है और मैंने उसका वीडियो आपको बताया भी था। गूगल इसमें जाकर मैंने अपनी एक, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मैं फिर से बताना चाहूँगा कि एक आपको प्लगइन की ज़रूरत पड़ती है और वो प्लगइन मैं इसमें इंस्टॉल करके फिर से बता देता हूँ। रैंक मैथ, या फिर जस्ट आपको SEO लिखना है, प्लगइन सेक्शन में जाकर SEO लिखना है। SEO लिखने के बाद आप योस्ट भी यूज़ कर सकते हो और दूसरा रैंक मैथ भी। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको रैंक मैथ यूज़ कीजिएगा। तो मैं जस्ट इसको इंस्टॉल करके आपको बता देता हूँ कि कैसे रैंक मैथ आपको इंस्टॉल करना है, कैसे इसका बेसिक सेटिंग करना है, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि साइट मैप आपको कैसे सबमिट करना होता है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल होने के बाद इसको एक्टिवेट करना है और इसकी बेसिक सेटिंग्स मैं बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिक है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप अपनी वेबसाइट का साइड मैप जनरेट नहीं कर पाओगे तो आप रैंकिंग पोजीशन में जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो रैंक मैथ मैंने इंस्टॉल कर दिया है। अभी आपको यहाँ पर क्लिक करना है रैंक मैथ के इसमें और कनेक्ट योर अकाउंट। ये गूगल सर्च कंसोल से आपको कनेक्ट करना होता है जिससे आपकी वेबसाइट वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पर गूगल सिलेक्ट कीजिएगा और जो भी आपने जीमेल यूज़ किया है, जैसे कि naukrijobsindent@gmail.com, ओके, एक्टिवेट कर लेना है इसको। एक्टिवेट होने के बाद एडवांस टैब में स्टार्ट वाइजर करना है आपको। स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि योस्ट, SEO प्रेस और ये तीनों प्लगइन मैंने ऑलरेडी पहले यूज़ किया था, तो इनकी सेटिंग को आपको इंपोर्ट करना है कि नहीं, मतलब इनकी जो भी सेटिंग्स थी, योस्ट प्लगइन जो मैंने पहले यूज़ किया था, तो उसके मेटा डेटा, मेटा डिस्क्रिप्शन सब कुछ इसमें इंपोर्ट हो जाएगा। तो जस्ट मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो भी योस्ट प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया था स्टार्टिंग में, वो सब कुछ इसमें सेटिंग जैसी की वैसी आपको हर एक पोस्ट में दिखाई देगी। ठीक है, तो जस्ट मैंने इंपोर्ट कर दिया है, तो ये इंपोर्ट हो चुका है। जस्ट कंटिन्यू करना है आपको। इसके बाद जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ लोगो आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। ठीक है, इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद कनेक्ट गूगल सर्विस, इससे आपको वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गूगल सर्च कंसोल से आपकी वेबसाइट कनेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसमें आपको जस्ट कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपकी वेबसाइट। ठीक है, ये भी सिलेक्ट कर सकते हो और ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक। और गूगल एनालिटिक्स अकाउंट यदि आपने कनेक्ट किया हो तो गूगल एनालिटिक्स के भी सब कुछ इसमें कनेक्ट हो जाएगा। जस्ट कंटिन्यू करना है आपको और ये साइड मैप भी आपको जनरेट करना है, तो यहाँ पर टिक कीजिएगा और हमेशा करते ही रहिएगा। इसमें ऑटोमेटिकली साइड मैप कैटेगरी भी आपको इसमें डाल देना है, सेव चेंजेस कर देना है आपको। ठीक है, नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक ऑटोमेटिकली ऐड नो फॉलो, तो नो फॉलो आपको कर देना है। जो एक्सटर्नल लिंक है उसको नो फॉलो कर देगा ये।
ठीक है, इसमें कंटिन्यू कर देना है और सेव एंड एडवांस सेटअप में जाना है। रोल में आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट कंटिन्यू करना है। 404 एंड रिडायरेक्शन को ऑन कर देना है आपको, ताकि जब भी आपकी वेबसाइट में कोई 404 की एरर होगी तो ऑटोमेटिकली वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, रिडायरेक्शन की सेटिंग में आप यदि जाओगे तो इसमें ये पूछेगा कि आपको जो 404 की एरर आएगी और रिडायरेक्ट टू होम पेज आप कर सकते हो, ठीक है। तो जितनी भी 404 की एरर है आपकी सॉल्व हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपको वेब मास्टर टूल में आपको वेरिफिकेशन कोड मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, यहाँ से गूगल सर्च कंसोल में क्लिक कीजिएगा और इससे गूगल सर्च कंसोल का ये वाला जो डेटा है, एक मिनट, यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद ये जो आपने कॉपी किया है इसको कॉपी करना है और जस्ट आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको बिंग में भी वैसे ही करना है, उसके बाद सेव चेंजेस कर देना है और उसके बाद आपको वेरिफिकेशन का ये आपको क्लिक करना है। तो ये वेरीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली, देखिएगा वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गई आपका SEO का सेटिंग। योस्ट हो या रैंक मैथ हो, सभी की सेटिंग सेम ही होती है। तो मैंने ये रैंक मैथ के साथ इसका सेटिंग कर दिया। अभी आपको यहाँ पर साइड मैप सबमिट करना होता है, जैसे कि आप देख सकते हो परफॉर्मेंस में जाकर आप देख सकते हो मेरी पोजीशन 17 की है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर साइड मैप सबमिट करना होता है। साइड मैप आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए आपको यहाँ जाना होगा और यहाँ जाकर आपको रैंक मैथ के सेटिंग में जाना है, साइड मैप सेटिंग में क्लिक करना है और ये जो URL आपको दिखाई दे रहा है इसको जस्ट आपको ओपन कर लेना है। एक बार देख सकते हो ये URL को आपको जस्ट कॉपी करना है और इस URL को आपको यहाँ पर साइड मैप में सबमिट करना होता है यहाँ पर, और जस्ट सबमिट कर देना है आपको। जितने भी पेजेस या पोस्ट आपने बनाया हो सब कुछ यहाँ पर डिस्कवर में बता देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको साइट मैप सबमिट करना होता है और इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि पेज एक्सपीरियंस में 100% लाने के लिए आपको क्या क्या करना होता है, ठीक है। तो ये सब मैं धीरे धीरे आपको कवर करूंगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, आप भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते हुए इसको पूरे वीडियो को देखते रहिएगा, आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा और आप भी मेरी तरह एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बन सकते हो, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि वर्डप्रेस में कौन कौन से ऐसे प्लगइन्स है जो आपको इंस्टॉल करना चाहिए ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी बनी रहे। तो वेबसाइट की स्पीड को लेकर मैं जो जो प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ वही सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। थैंक यू।